ये समाज, ये सनातन हिंदू धर्म और ये देश भगवा ध्वज की पूजा करता है, अपना गुरु मानता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवा ध्वज के पूजे जाने और इसके प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। भगवा ध्वज देश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ध्वज है। यह सनातन धर्म के महान प्रतीकों में से एक है। भगवा ध्वज त्याग, बलिदान, ज्ञान, सेवा, वीरता, शुद्धता और देशभक्ति का प्रतीक है। वैदिक विज्ञान पर आधारित एडवांस कलर थेरेपी के अनुसार भगवा रंग समृद्धि और आनंद का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भगवा रंग बृहस्पति ग्रह का पसंदीदा रंग है। यह ज्ञान को बढ़ाने और आध्यात्मिकता का प्रसार करता है। भगवा पवित्र रंग है और युगों युगों से हमारे धार्मिक आयोजनों में और साधु संतों के पहनावे में प्रयोग होता रहा है। सूर्य में विद्यमान आग और वैदिक यज्ञ की समिधा से निकलने वाली आग भी भगवा रंग की है। राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध के देश भारतवर्ष में हजारों वर्षों से विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के खिलाफ ज्यादातर युद्ध भी भगवा ध्वज के तले ही लड़े गए। भगवा रंग पूरी तरह प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति का पुनर्जन्म हो रहा हो। ऐसी मान्यता है कि आदिदेव भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और आत्मा व योग का परम ज्ञान भी दिया था। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान देने के दौरान माता पार्वती के मन में वैराग्य व अत्यधिक त्याग की भावना जागृत हो गई और उन्होंने इस विरक्त भाव में अपनी नस और नाखून काट लिए। उनके खून का रंग सारे कपड़ों तक पहुंच गया। यहां उनके चोले में विद्यमान खून भगवा करण का महत्व बताता है। कुछ वर्षों बाद जब गोरक्षनाथ माँ पार्वती को सम्मान देने के लिए पहुँचे तो मातृत्व का अनुभव कर वह ममता से भर गईं। वह गोरक्षनाथ को देखकर बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने वह चोला गोरक्षनाथ को दे दिया। तब से सभी साधु और सन्यासी भगवा एवं लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवान राम ने रघुवंश की ध्वजा के नीचे रावण से युद्ध किया था। कुर्म और स्कंद पुराणों के अनुसार रघुवंश के ध्वज पर तीन त्रिज्याएं अंकित थीं, जो अग्नि की ज्वालाएं जैसी दिखती थीं। महाभारत काल में अर्जुन युद्ध भूमि के लिए जाने से पहले अपनी कपी ध्वजा फहराते थे। अर्जुन की ध्वजा पर भगवान हनुमान की छवि अंकित थी। राजस्थान में राणा सांगा और महाराणा प्रताप समेत तमाम राजपूत योद्धाओं ने भगवा ध्वज से वीरता की प्रेरणा लेकर कई ऐतिहासिक युद्ध किए। छत्रपति शिवाजी ने मुगल शासन से मुक्ति और हिंदू राज्य की स्थापना के लिए भगवा ध्वज की छत्र छाया में कई निर्णायक युद्ध लड़े। हर हर! सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हजारों सिख योद्धाओं की फौज का नेतृत्व किया तब उन्होंने केसरिया झंडे का उपयोग किया।
इसी भगवा ध्वज से प्रेरणा लेते हुए महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख सैनिकों ने अफगानिस्तान के काबुल कंधार तक को फतह कर लिया था। 17वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत की ध्वजा भगवा और लाल रंग की थी। नागपुर के भोसले शासक भगवा ध्वज का प्रयोग करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध अपने हनुमान ध्वज के नीचे लड़ा था। व्यक्ति की कृति हमेशा उसके देशकाल परिस्थिति की मर्यादाओं से बद्ध होती है। हमको विभिन्न देशकाल परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। तो मार्गदर्शक क्या है? तत्व। कृति के पीछे, जीवन के पीछे, विचार के पीछे जो तत्व है, हमारी सर्वसमावेशक, अत्यंत उदार और संपूर्ण विश्व के समस्याओं का उत्तर दे सकने वाले, मूल्य देने वाली हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक यही ध्वज है। और इसलिए हम इसको गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का दिन करते हैं। भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के पीछे संघ का दर्शन यह है कि किसी व्यक्ति को गुरु बनाने पर उसमें पहले से कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, या कालांतर में उसके सद्गुणों का क्षय भी हो सकता है, लेकिन ध्वज स्थायी रूप से श्रेष्ठ गुणों की प्रेरणा देता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यतः तीन कारणों से भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ध्वज के साथ ऐतिहासिकता जुड़ी है और यह किसी संगठन को एकजुट रखते हुए उसके विकास में सहायक होता है। भगवा ध्वज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वह विचारधारा सर्वाधिक प्रखर रूप में प्रतिबिंबित होती है जो संघ की स्थापना का प्रबल आधार है। किसी व्यक्ति की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक भगवा ध्वज को सर्वोच्च स्थान देकर संघ यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि वह व्यक्ति केंद्रित संगठन नहीं बनेगा। संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी, संघ प्रमुख समेत सभी स्वयंसेवक भगवा ध्वज को सादर नमन करते हैं। संघ की अनेक शाखाओं में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन फहराया जाने वाला भगवा ध्वज कई दशकों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता रहा है। यही कारण है कि संघ के स्वयंसेवक अपनी विचारधारा के साथ बड़ी गहराई से जुड़े रहते हैं। यह भगवा ध्वज हिंदू समाज के सतत संघर्षों और विजयश्री का साक्षी रहा है। इसलिए यह देश और समाज की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हिंदू संस्कृति हमारे देश की जीवन रेखा है और भगवा ध्वज हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे महान प्रतीक है।